गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन ऑनलाइन स्टडी क्लासेस ऑफ स्काई इंटरनेशनल स्कूल. स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू SST एंड इन SST आई विल टीच यू हिस्ट्री. लेसन नंबर 2, द अर्लीस्ट सोसाइटीज. ओके स्टूडेंट्स, फॉर दैट यू ऑल ओपन पेज नंबर 16. टेक योर पेंसिल इन योर हैंड्स एंड लेट्स स्टार्ट विद मी. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द अर्लीस्ट सोसाइटीज. ठीक है, आइए हम शुरू के जो प्रारंभिक समय की जो सोसाइटीज़ थी उनके बारे में पढ़ते हैं. ओके, नाउ कम ऑन द फर्स्ट हेडिंग, इवोल्यूशन फ्रॉम एपी मैन टू मॉडर्न मैन. कि कैसे विकास हुआ, धीरे धीरे कैसे सतत विकास हुआ. एपी मैन आदि मानव से लेके मॉडर्न मैन हमारा आपका. ठीक है, इट वॉज अराउंड 1.5 मिलियन ईयर्स अगो दैट मैन अपियर्ड ऑन अर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम. ये आज से लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स पहले की बात है कि पृथ्वी पे माना जाता है कि व्यक्ति मनुष्य का जो है, मानव का जो है, वो पृथ्वी पर उसका आया. ठीक है, प्रस्तुत हुआ. द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इंडिकेट दैट दे वर एपी मैन. अगर हम उनके जीवाश्मों का अध्ययन करें, जो उनके उनकी जो चीज़ें दबी रह जाती हैं चट्टानों के नीचे, पत्थरों के नीचे, उसको हम जीवाश्म कहते हैं ना, चाहे वो पौधे के हो चाहे जानवरों के हो, उस फॉसिल्स को जो है जब हम स्टडी करते हैं तो हमको पता चलता है कि वे कौन थे. वो एपी मैन आदि मानव थे. दीज ह्यूमन बींग्स विच रिजेंबल एपीज एंड मंकीज. ये जो पहले के मानव थे जो किसकी तरह लगते थे, एपी कपी की तरह लगते थे, बंदर की तरह लगते थे, इसको हम क्या कहते थे, उनको हम एंथ्रोपॉइड्स कहते थे. मीनिंग मैन लाइक एनिमल्स, मतलब वो आदमी मनुष्य जो किसकी तरह हो, एनिमल्स की तरह हो. एंथ्रोपॉइड्स टुक मेनी ईयर्स टू इवॉल्व इन टू मॉडर्न मैन. कई साल लग गए, कई सौ साल लग गए जो है ये एपी मैन का, एंथ्रोपॉइड्स का जो है वो किस तरह से चेंज होने में, ये आधुनिक मानव मॉडर्न मैन में चेंज होने पे. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ द एपी मैन वर. आइए अब हम कैरेक्टर स्केच देखते हैं, कैसे थे जो एपी मैन थे, वो कैसे थे एपी मैन. ही कुड नॉट वॉक स्ट्रेट, वो सीधे नहीं चल सकते थे. ही हैड अ लॉट ऑफ हेयर ऑल ओवर हिज बॉडी, उनके पूरे शरीर पे बाल थे. ही कुड नॉट होल्ड थिंग्स प्रॉपरली, वो चीज़ों को अच्छे से पकड़ नहीं पाते थे. ही ग्रेजुअली लर्न टू स्टैंड अप एंड स्टिल वॉकड विद अ शिफ्टिंग जेन. वो क्या कर रहे थे, वो अभी भी खड़े होना सीख रहे थे और लाठी डंडे की सहायता से वो क्या करते थे, शिफ्टिंग जेन से चलते थे. विद टाइम हिज ब्रेन बिकम बिगर, धीरे धीरे उनका जो मस्तिष्क था वो क्या हो गया, बड़ा होता गया. वाइल हिज जॉज श्रैंक कंसिडरेबली, देखिए जैसे उनका मुंह है यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये चीज बड़ा होता गया और जॉज जो थे वो अंदर की तरफ श्रिंक करते गए. ठीक है, कम ऑन द नेक्स्ट पेज, द हेडिंग इज द स्टोन एज. ठीक है, स्टोन एज, देखिए इसका नाम स्टोन एज क्यों पड़ा. व्हेन मैन स्टॉप लिविंग ऑन ट्रीज, ही नीडेड फूड टू फीड हिमसेल्फ एंड ऑल्सो सम इम्प्लीमेंट्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. जो एपी मैन था, जो एंथ्रोपॉइड्स थे, वो पेड़ पे रहना बंद कर दिए, धीरे धीरे उनका विकास होने लगा, पेड़ पे रहना बंद कर दिए, उनको खाने की जरूरत महसूस हुई अपने लिए. तो क्या हुआ, उन्होंने कुछ विकास किया, कुछ चीज़ों को अपनाया अपने आप को बचाने के लिए, जंगली जानवरों से बचाने के लिए. उन लोगों ने किस चीज़ का यूज़ किया, स्टोन का. ही यूज स्टोन विच वर अवेलेबल इन प्लेंटी टू मेक वेपन्स. ये जो पत्थर थे उन्होंने इसका यूज़ किया, पत्थरों का क्यों किया, क्योंकि वो बहुत अधिक मात्रा में उनके पास उपलब्ध थे. दस हिस्टोरियंस हैव कॉल्ड दिस पीरियड द स्टोन एज, इसीलिए हिस्टोरियंस ने इस काल को कौन सा काल कहा, स्टोन एज, पत्थर का काल कहा. द स्टोन एज हैज बिन फर्दर डिवाइडेड इन टू 3 पार्ट्स. अब हम इस स्टोन एज को, ये जो स्टोन एज है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पैलियोलिथिक एज, जो हमारा 5 लाख BCE से 10,000 BCE तक था, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं. फिर आया हमारा मिजोलिथिक एज, जिसको हम मिडिल स्टोन एज कहते हैं, 10,000 BCE से 8,000 BCE. एंड लास्ट हमारा है नियोलिथिक एज, जिसको हम न्यू स्टोन एज भी कहते हैं, ये हमारा 8,000 BCE से 4,000 BCE तक है. अब बेटा आप हम लोग बारी बारी से जो है पैलियोलिथिक एज, मिजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे. आइए, द नेक्स्ट हेडिंग इज पैलियोलिथिक एज. पैलियोलिथिक मैन लेड अ लाइफ ऑफ अ नोमैड्स. ये कैसा जीवन जीते थे, नोमैड्स का, घूमने फिरने वाला जीवन. ही मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, ये खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते थे. हेंस ही इज नोन एज अ हंटर गैदरर, इसलिए इनको हम क्या कहते थे, इसलिए इनको क्या कहा गया, हंटर गैदरर, शिकार करने वाला, चीजों को इकट्ठा करने वाला. ही हंटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदर्ड वाइल्ड फ्रूट्स, ये जंगली जानवरों का शिकार करते थे, जंगली फलों को, उनकी जड़ों को, नट्स को, बीजों को और पत्तियों को क्या करते थे, खाने के लिए इकट्ठा करते थे. ही लिव्ड इन केव्स, ये गुफाओं में रहते थे, ऑन ट्रीज, पेड़ों पे.
रहते थे एंड इन द हॉलो ऑफ ट्रीज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, और पेड़ की जो खोखले जगह है उसमें भी रहते थे अपने आप को वाइल्ड एनिमल्स से, ठंड से और बारिश से बचाने के लिए। ही ऑल्सो यूज द हेड ऑफ एनिमल्स और द बार्क ऑफ ट्रीज एज क्लोथ, ये जानवरों की खाल को और पेड़ की छाल को जो है ये यूज करते थे कपड़े की तरह, टू शील्ड हिमसेल्फ फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन, अपने आप को क्या करने के लिए, ढकने के लिए, कवर करने के लिए, ताकि वो उनको किस चीज से बचा सके, गर्मी से, ठंड से और बारिश हवा से, तेज हवा से बचा सके। आइए अब हम देखते हैं कि पैलियोलिथिक एज में टूल्स कैसे थे। इनिशियली द टूल्स वर वेरी क्रूड एंड लाइक्ड मोर लाइक पेबल्स, ये क्या थे, बहुत शार्पन नहीं थे, बिना किसी शेप के थे और अधिकतर देखने में कंकड़ पत्थर की तरह लगते थे। दे वेर टिपिकली मेड ऑफ फ्लिंट, अ स्टोन दैट चिप्स इजिली, ये एक स्पेशल तरह के स्टोन के बने हुए थे जिसका नाम फ्लिंट है। ये एक ऐसा पत्थर होता है बेटा जिसको हम आसानी से अगर हिट करें तो वो चपटा हो जाता है, ठीक है। सम ऑफ दीज टूल्स हैव बीन फाउंड नियर रिवर बेड्स इन पंजाब एंड द कश्मीर वैली इन इंडिया, अगर हम स्टडी करते हैं तो हम लोग को ये जो इस तरह के जो टूल्स हैं वो हमको कहाँ मिले हैं, पंजाब में नदी के किनारों रिवर बेड्स पे और कश्मीर की वैलीज में हमको इस तरह के टूल्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि पैलियोलिथिक एज में इस तरह के टूल्स यूज होते थे, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, द टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक एज कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, इसको हम थ्री कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। पहला है हैंड टूल्स, ठीक है, दीज वर पियर शेप्ड टूल्स यूज्ड फॉर कटिंग एंड स्मैशिंग थिंग्स, ये क्या है, एक पियर शेप्ड का हथियार है जिसको हम चीज़ों को काटने के लिए और स्मैश उसको मसलने के लिए यूज करते हैं। दे यूजली हैड शार्प एज ऑन ऑल साइड्स, मतलब ये एक ऐसा हथियार है जिसमें सामान्यतः चारों तरफ इसके जो है और सारे तरफ क्या है शार्पन, मतलब धारदार एज है। अब आइए कोर टूल्स पे आते हैं, दीज वर मेड बाई चिपिंग एंड शेपिंग लार्ज स्टोन्स, ये जो है बड़े बड़े पत्थरों को चपटा करके मार के उसको शार्प करके जो है उनको अच्छे से शेप देके इस तरह के कोर टूल्स को हम बनाते हैं। दे हैड शार्प एज एंड वर यूज टू कट ट्रीज, ये जैसे उनका जो है किनारा जो है वो क्या होता है बहुत धारदार होता है और उसका यूज हम पेड़ को काटने के लिए एंड डिग द ग्राउंड, जमीन खोदने के लिए भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ दीज टूल्स इंक्लूड हैंड एक्स एंड हैमर, इसमें किस चीज़ का हम किस एग्जाम्पल दे सकते हैं, हाथ की जो कुल्हाड़ी और हथौड़ा होता है उसका एग्जाम्पल हम इसमें कोर टूल्स में ले सकते हैं। एंड थर्ड एंड द लास्ट टाइप्स ऑफ टूल इज फ्लिंट टूल्स, दीज वर मेड फ्रॉम स्मॉलर स्टोन पीसेस, समटाइम्स दोज दैट चिप्ड ऑफ लार्जर स्टोन्स वाइल मेकिंग कोर टूल्स, जब कोर टूल्स को बनाते हैं हम तो उसमें से जो चिप्स निकलता है स्टोन का उससे यूजुअली हम ये फ्लिंट टूल्स को बनाते हैं। दे टर्न द पेज एंड ऑल ऑफ यू कम ऑन पेज नंबर 18, ओके स्टूडेंट्स, दे वर शार्पेंड एंड यूज एज चॉपर एंड नाइफ, इसको हम चॉपर की तरह यूज करते हैं, जैसे चाकू की तरह भी यूज कर सकते हैं। दे वेयर यूज टू चॉप मीट एंड कट थ्रू स्किन एनिमल्स, मीट काटने के लिए स्किन के एनिमल्स को अलग करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड्स क्लेवर्स एंड स्क्रैपर्स, मतलब बहुत धारदार चीज होता है जिससे हम इसको अलग कर सकते हैं, कोई भी धारदार चीज, ठीक है, ये दोनों टूल्स ही हैं क्लेवर्स एंड स्क्रैपर्स। लेटर मैन लर्न टू मेक मोर पॉलिश्ड एंड पॉइंटेड टूल्स सच एज स्पीयर विच हेल्प्ड हिम फर्दर इन हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, जैसे जैसे समय बीतता गया जो मानव था वो और अच्छा पॉलिश्ड शार्पन वेल शेप्ड टूल बनाने लगा और क्या करने लगा, इससे उसको मदद मिलने लगी जानवरों का शिकार करने में भी और भी अन्य चीजों में, खुद को भी जानवरों से बचाने में। अब आइए पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ फायर। फायर वॉज अनडाउटली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ द पैलियोलिथिक एज, इसमें कोई संदेह नहीं है, जो आग का आविष्कार था वो पैलियोलिथिक एज का सबसे जो है महत्वपूर्ण आविष्कार था। इंटरेस्टिंगली इट वॉज प्रोबेबली एन एक्सीडेंट डिस्कवरी, ऐसा नहीं था कि आग को खोजा ही जा रहा था, उसका आविष्कार ही किया जा रहा था, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आग का आविष्कार हो गया, जो एकदम उसका आविष्कार ही नहीं हो रहा था बट एक्सीडेंटली उसका आविष्कार हो गया। इट इज लाइकली दैट वाइल स्ट्राइकिंग टू पीसेज ऑफ फ्लिंट टुगेदर टू शेप इनटू टूल्स, कर क्या हो रहा था, जो मैन था वो क्या कर रहा था, दो पत्थरों को आपस में रगड़ रहा था उनको एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए, टूल बनाने के लिए, लेकिन क्या हुआ उसमें से स्पार्क दिखा और उस स्पार्क को मैन नोटिस, स्पार्क को आदमी ने नोटिस किया। दीज स्पार्क्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ईजिली बाई हैंड टू इग्निट ड्राई लीव्स, क्या हुआ आसानी से वो निकलता था आग, मतलब उन लोगों ने इसको नोटिस किया कि आसानी से जो है हम इसको आग प्रोड्यूस कर सकते हैं दो पत्थरों को रगड़ के एंड ठीक है हाथ से जो है उसको यूज कर आग को पैदा कर सकते हैं।
दिस मैन लर्न टू क्रिएट फायर, इस तरीके से आदमी क्या हुआ, उसने आग को जलाना सीख लिया। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट फॉरेस्ट फायर वॉज यूज बाई मैन। हम लोग को पता है बेटा, आप लोग को पता है कि नहीं पता है, लेकिन गर्मियों में कभी कभी जब बहुत गर्मी पड़ती है ना, तो जंगलों में अपने आप भी आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि जंगलों में कुछ ऐसे पेड़ होते हैं कि वो जो है गर्मी से अपने बर्निंग टेम्परेचर पे आते हैं और जल जाते हैं। और जब जंगल की आग को भी अर्ली मैन ने देखा होगा तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो आइडिया आया होगा कि ये क्या है, और उस तरह से उसके दिमाग में आग का आइडिया आया होगा। फायर वॉज वेरी यूजफुल टू मैन इन मेनी वेज, कई तरीके से जो आग है वो उनके लिए यूजफुल है। कैसे कैसे है? इट हेल्प्ड मैन टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को डराने के लिए। इफ़ केप्ट बर्निंग आउटसाइड द केव एट नाइट, अगर रात में वो गुफा के बाहर जलता हुआ छोड़ देते हैं तो जंगली जानवर डर के मारे आएगा नहीं। इट हेल्प्ड मैन टू कीप वार्म इन विंटर, जाड़े में अपने आप को गर्म रखने के लिए। इट हेल्प्ड इन कुकिंग द एनिमल्स ही हंटेड, जिनका वो शिकार करके लाते थे, अब वो उनको कच्चा नहीं खाते थे, उनको पका के खाते थे। इट प्रोवाइडेड लाइट एट नाइट, और रात में ये उनको रोशनी भी देता था। अब आते हैं हम और पढ़ते हैं पैलियोलिथिक आर्ट के बारे में पढ़ते हैं। वन एरिया इन विच पैलियोलिथिक मैन शोड कीन इंटरेस्ट वॉज केव पेंटिंग, मतलब जिसमें पैलियोलिथिक मैन ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया वो क्या था, केव पेंटिंग। ही पेंटेड ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स यूजिंग चारकोल, वो चारकोल का यूज करके दीवार पे पेंटिंग बनाते थे। दीज पेंटिंग सम ऑफ विच हैव सर्वाइव्ड टिल टुडे, उसमें से कुछ पेंटिंग्स ऐसे हैं जो आज तक अभी जीवित हैं। गिव्स अस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज लिविंग कंडीशन, जिसको अगर हम पढ़ते हैं या उसको देखते हैं तो हमको क्या होता है, उसको देखने से हमको उस समय के लिविंग कंडीशंस के बारे में, जीवन जीने की शैली के बारे में, कैसा जीवन था, इसके बारे में पता चलता है। द पेंटिंग्स मेनली पोर्ट्रेट एनिमल फिगर, इन पेंटिंग्स में मेनली वो क्या बनाते थे, जानवरों के फिगर्स को बनाते थे। इट इज़ पॉसिबल दैट अर्ली मैन बिलीव्ड दैट पेंटिंग द पिक्चर ऑफ अ वुंडेड एनिमल वुड ब्रिंग हिम सक्सेस इन हंटिंग, ऐसा लगता है उन पेंटिंग्स को देख के जरूर उस टाइम का जो मानव था उसका ये विश्वास था कि अगर वो वुंडेड एनिमल, चोट लगे हुए एनिमल की पेंटिंग बनाता है तो वो उसके शिकार में उसको सफलता दिलाएगी। ठीक है, मोर ओवर एज दे डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, पेंटिंग वॉज द बेस्ट वे इन विच दे कुड कम्युनिकेट देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस, चूंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको लिखने नहीं आता था, इसलिए क्या था, ये एक बहुत अच्छा तरीका था जिसके माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से वो जो अपने फीलिंग्स को जो है वो शो कर पाते थे, इमोशंस को शो कर पाते थे। दस आर्ट वॉज बॉर्न इन दिस पीरियड, इस तरह से क्या हुआ, कला का आविष्कार जो है इस काल में हुआ कि पेंटिंग्स का। केव पेंटिंग्स बिलोंगिंग टू द पैलियोलिथिक एज हैव बीन डिस्कवर्ड इन द भीमबेटका केव्स इन मध्य प्रदेश। ठीक है, अभी भी अगर हम भीमबेटका केव में मध्य प्रदेश के चले जाएँ तो हमको ये पेंटिंग्स आसानी से देखने को मिल जाएंगी। आते हैं अब नेक्स्ट हेडिंग पे, जो है मेजर साइट्स ऑफ पैलियोलिथिक एज, कौन से जो मेजर साइट्स हैं। ठीक है, ए मेजोरिटी ऑफ साइट्स वर अर्ली मैन लिव्ड हैव बीन फाउंड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, एक बहुत बड़ा हिस्सा जहाँ पे अर्ली मैन रहते थे वो नदी के ही, सॉरी पानी के ही आसपास था, जैसे नदियों के आसपास, झीलों के आसपास। दीज इंक्लूड्स केव्स एंड रॉक शेल्टर्स विच आर कॉल्ड हैबिटेशन साइट्स, वो कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे या पत्थरों के शेल्टर्स में रहते थे, जिसको हम उनका हैबिटेट साइट, हैबिटेट मतलब आवास होता है, हैबिटेट साइट कह सकते हैं। दीज शेल्टर्स प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट रेन एंड विंड, ये जो जगह थे रहने की वो उनको गर्मियों से, बारिश से और हवा से बचाते थे। देयर वेयर ऑल्सो फैक्ट्री साइट्स इज द एग्जाम्पल दैट प्लेसेज वेयर टूल्स वर मेड, कुछ उनकी फैक्ट्री साइट्स भी थे, कुछ जगह ऐसे भी थे जहाँ पे वो टूल्स को बनाते थे। दे वेयर लोकेटेड इन एरियाज वेयर गुड क्वालिटी स्टोन्स वर अवेलेबल, और ये कहाँ पे थे, ये उनके जो टूल साइट्स थे वो कहाँ पे थे, फैक्ट्री साइट्स, जहाँ पे आसानी से जो है अच्छे क्वालिटी के स्टोन्स अवेलेबल हो, स्टोन से ही तो वो बनाते थे ना। दे कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स, डिस्कार्डेड टूल्स एंड चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन्स, उस जगह को हम कैसे पहचान सकते हैं, जहाँ पे हमको स्टोन्स के ब्लॉक्स मिलते हैं, कुछ डिस्कार्डेड टूल्स मिलते हैं, कुछ जो वेस्ट, जो हथियार बनाते समय जो वेस्ट स्टोन मिलता है उसको देख के हम जान सकते हैं कि ये इनका फैक्ट्री साइट है। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर वेयर फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट्स विच वर यूज्ड बाय अर्ली मैन फॉर बोथ पर्पस, फैक्ट्री साइट्स थे कुछ, कुछ उनके हैबिटेशन साइट्स थे और कुछ ऐसे साइट्स थे जो जिसमें वो रहते भी थे और टूल्स भी बनाते थे, दोनों काम में वो उनका यूज करते थे। आइए अब हम लोग देखते हैं मेसोलिथिक एज, अभी हम लोगों ने क्या देखा, पैलियोलिथिक एज का जो है टूल्स देखा, डिस्कवरी ऑफ फायर देखा एंड आर्ट को देखा था। अब हम देखते हैं मेसोलिथिक एज, मैन लर्न्स टू मेक बेटर टूल्स, अब क्या हुआ, पैलियोलिथिक एज में वो पत्थरों के औजार बनाता था और जो मेसोलिथिक एज था इसमें उसने कुछ अच्छे औजारों को जो है बेटर टूल्स को बनाना सीख लिया। विद द पासेज ऑफ टाइम पैलियोलिथिक मैन टर्न
फ्रॉम अ हंटर गैदरर टू अ फूड प्रोड्यूसर। वो किस से किस में चेंज हुआ, अब वो घूम घूम के शिकार नहीं करता था, चीज़ों को इकट्ठा नहीं करता था, बल्कि वो फूड प्रोड्यूसर हो गया, वो खुद फसल उगाने लगा, खाने को पैदा करने लगा। दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन इज कॉल्ड द मेज़ोलिथिक एज। इसी चेंज को, इसी जिसमें इतना बड़ा चेंज हुआ, इसी चेंज को हम क्या कहने लगे, मेज़ोलिथिक एज कहने लगे। ड्यूरिंग दिस टाइम मैन लर्न टू मेक बेटर टूल्स। इस टाइम जो है वो आदमी बेटर टूल्स बनाने लगा, यूजिंग द बोन्स एंड हॉर्न्स ऑफ एनिमल्स विद अलॉन्ग विद द स्टोन। वो स्टोन के ही हथियार नहीं बनाता था, बल्कि वो हड्डियों के और जानवरों के सिंग के भी जो है टूल्स बनाने लगा। दिस रिजल्टेड इन बोज एंड एरोज आर फिशिंग हुक्स। क्या बनाने लगा वो तीर धनुष बनाता था, फिशिंग हुक्स जिससे मछली का शिकार करते हैं, मछली फंसाते हैं, वो बनाने लगा फिशिंग हुक्स। स्मॉलर शार्पर एंड मोर रिफाइंड टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ सच एज एरो हेड्स एंड स्पीयर हेड्स वर मेड ड्यूरिंग दिस टाइम। इसी टाइम जो है तीर का और भाले का भी आविष्कार हुआ, जो बहुत शार्प हुआ करते थे और उनका यूज वो बहुत से कामों में किया करते थे। टूवर्ड्स द एंड ऑफ मेज़ोलिथिक एज मैन स्टार्टेड लर्निंग अबाउट कल्टिवेशन। ठीक है, टूवर्ड्स द एंड, अब धीरे धीरे जब मेज़ोलिथिक एज खत्म होने लगा तो आदमी ने कल्टिवेशन भी, कृषि का काम भी सीख लिया। ही रियलाइज दैट व्हेन सीड्स फेल ऑन द ग्राउंड एंड रिसीव वाटर दे स्प्राउटेड इनटू प्लांट्स व्हिच देन प्रोड्यूस ग्रेन। उन लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया, इस चीज़ को नोटिस किया कि जब कोई सीड जमीन पर गिरता है, उसको पानी मिलती है, सूरज की रोशनी मिलती है, तो वो अंकुरित होता है, उसमें छोटा सा नन्ना सा पौधा निकलता है और फिर उससे हमको अनाज मिलता है। ही थॉट ऑफ पुटिंग सीड्स इन द ग्राउंड हिमसेल्फ इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर देम टू फॉल। बेटा पहले तो शुरू शुरू में वो क्या करते थे, वो वेट करते थे कि वो जो अनाज है वो पेड़ से गिरे और उगे, लेकिन बाद में वो क्या करने लगे, वो खुद बीज जो है वो बोने लगे। वो अब वेट नहीं करते थे कि खुद से वो जमीन में गिरे। इन दिस वे ही स्टार्टेड ग्रोइंग हिज ओन क्रॉप्स। इस तरीके से वो अपना खुद का अनाज उगाने लगे। वीट, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो ये हमारे भारत के जो महाद्वीप हैं, यहाँ पे जो है क्या है, जौ, चावल, ये सब नेचुरली वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उगाने लगे। पीपल वुड हैव कलेक्टेड ग्रेन्स फ्रॉम दीज प्लांट्स एंड ईटन देम। लोग क्या फिर क्या करने लगे, वो लोग इसी को इकट्ठा करने लगे, इसी को खाने लगे। ठीक है, लेटर दे वुड हैव ट्राइड टू ग्रो देम ऑन देयर ओन। उसके बाद वो खुद जो है उसको अपने लिए उगाने लगे। दस दे बिकम फूड प्रोड्यूसर। अब ये हंटर और गैदरर की बजाय क्या हो गए, फूड प्रोड्यूसर हो गए। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट मैन ऑल्सो बिगेन टू डोमेस्टिकेट एनिमल्स। इस टाइम क्या है, ये इसी टाइम का शुरुआत था जब आदमी क्या करने लगा, जानवरों को भी पालने लगा, सच एज द गोट्स, डॉग्स, शीप एंड कैटल्स। किसको पालने लगा, डॉग्स को, बकरियों को, शीप, भेड़ को और भी दूसरे जानवरों को, कैटल्स को पालने लगा। Now students, this chapter is over. Again, I will tell you that revise the chapter once or twice. Okay? Then only you can understand the chapter. Okay, students? Till then, you all stay home. Stay safe. Thank you.